हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग वर्ल्ड बाय ऋतु। तो आज मैं आप लोग के सामने कुछ यूनिक से कार्डबोर्ड के कंटेनर्स का DIY प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो ये जो बॉक्स है, ये मेरा बहुत ही ओल्ड और बहुत ही पुराना बॉक्स है। जब मैं क्लास 6th या 7th में पढ़ती थी, ये तब किसी ने शीशे का ग्लास इसमें गिफ्ट करके दिया था, तो उसे मैंने रैप करके बनाया था। तो अभी मुझे ये बहुत पुराना और बहुत ख़राब हो गया था इसका पेपर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कुछ नया लुक दूँ। तो उसके बाद से मैंने कुछ अपने पास पेपर्स रखे हुए थे, मैंने उसे सेलेक्ट किया, मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस पैटर्न के साथ मैं इस बॉक्स को रैप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे मेज़र किया बॉक्स को रख के, और उसके बाद से अब मैं इसे कट करूँगी। कट करने के बाद अच्छे से इस पर रैप करूँगी। चारों तरफ रैप करने के बाद जो नीचे और ऊपर का हिस्सा था, वो रैप करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट मैंने किसी तरह से इसे अच्छे से रैप किया और फाइनली ये एक अच्छा लुक दे रहा था। यहाँ पे बॉक्स के अंदर का नीचे का हिस्सा मुझे कवर करना था, तो इसके लिए मैंने इसे अगेन मेज़र किया और उसके बाद से इसे अच्छे से ग्लू की हेल्प से अंदर अटैच कर दिया। अब ये बॉक्स चारों तरफ से अच्छे से कवर हो गया है, तो अब इस पर डेकोरेशन करने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैंने चारों तरफ से सैटिन रिबन से इसे डेकोरेट किया। डेकोरेट करने के बाद मैंने कुछ डेकोरेटिव जो मेरे पास लेस रखे हुए थे, उसे मैंने लगाया, और उसे लगाने के बाद मम्मी के साड़ी में से एक फ्लावर निकला था, तो मैंने इसे लगा के इसे कम्प्लीट किया। अब आते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। तो ये मेरा दूसरा DIY है, और ये एक मैंने कुछ मंगाया था फ्लिपकार्ट से, उसका डिब्बा था। तो मैंने इसके किनारे किनारे से जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड निकला हुआ था, उसे अच्छे से कट कर दिया, और इसे मैंने अच्छे से ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर लिया। और उसके बाद से मैंने मास्किंग टेप लगाया ताकि ये और अच्छे से स्टिक हो जाए, और इसके जो एजेस निकले हुए थे उस पर भी काफ़ी फिनिशिंग लुक आ गया। मास्किंग टेप लगाने के बाद से मैंने कवर को लगाने का सोचा, तो मैंने ब्रिक वाला पैटर्न पेपर यूज़ किया ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये थोड़ा सा कंटेनर मेरा बड़ा था, तो इसको ब्रिक वाला जो था वो अच्छा जा रहा था,
तो मैंने यही वाला पेपर इस पर यूज़ किया और अगेन मैंने इसका मेज़र किया। मेज़र करने के बाद मैंने कट किया। कट करने के बाद मैंने इसे अच्छे से चारों तरफ से रैप किया। इसे भी रैप करने में थोड़ी मुश्किल हुई बट मैंने अच्छे से रैप कर दिया। ये अच्छे से चारों तरफ से रैप करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। अब यहाँ पे अंदर के साइड जो नीचे वाला हिस्सा था उसे रैप करने के लिए सबसे पहले मैंने उसी पेपर को लेके मेज़र किया। बॉक्स को रख के मेज़र करने के बाद मैंने उसे कट किया और कट करने के बाद मैंने अंदर अप्लाई कर दिया। तो अब ये पूरा बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने सिल्वर कलर का लेस लिया और इसके चारों तरफ लगा दिया नीचे और ऊपर के साइड, और अगेन मैंने ये साड़ी वाले फ्लावर्स लेके इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। तो ये है इसका फाइनल लुक। और अब चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो ये कंटेनर है, मेरे भाई ने अपना मोबाइल स्टैंड मंगाया था उसका, और उसने बचे हुए कुछ वॉलपेपर्स रखे थे उसे उसने उस पर स्टिक करके यूज़ कर रहा था। तो मैंने इस पर गोल्डन कलर का लेस लेके इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। मैंने ज़्यादा कुछ इस पर नहीं किया और वही वाला फ्लावर लेके इस पर भी अटैच्ड कर दिया, और कुछ मेरे पास स्टोन्स रखे हुए थे उसे लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसका है ये फाइनल लुक। अब चलते हैं अपने फोर्थ DIY की तरफ। तो फोर्थ DIY हमारा पेंटिंग से रिलेटेड है, और ये है हमारा मैगी कप। मैगी कप के ऊपर का सबसे पहले मैंने रैपर हटाया। रैपर हटाने के बाद से फिर मैंने इस पर पेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन पेंट करने से पहले मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए रैंडमली। तो इसके लिए मैंने सेलो टेप लिया और सेलो टेप से मैंने रैंडमली इधर उधर से इसे स्टिक कर दिया ताकि मेरे जो भी मैं पैटर्न्स ड्रॉ करूं वो कहीं बाहर ना निकल के जाए। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर को लेके ऑरेंज कलर से पेंट किया जहाँ जहाँ मुझे करना था। ऑरेंज कलर कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने पिंक कलर लिया। पिंक कलर से मुझे जहाँ जहाँ पेंट करना था वहाँ वहाँ मैंने इससे कलर किया। फिर मैंने ये ग्रीन कलर लिया। ये ग्रीन का बहुत ही डिफरेंट शेड है, मैंने इस कलर को ही चूज़ किया और इससे कलर किया। अब मुझे लाइट ब्लू कलर से पेंट करना था, तो मैंने वाइट और डार्क ब्लू कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया और इससे मैंने पेंट किया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था डार्क एंड लाइट का शेड। और उसके बाद से मैंने सारे मास्किंग टेप्स जो भी मैंने लगा रखे थे, सेलो टेप को ही मैं मास्किंग टेप यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उससे ही पैटर्न्स अपने बनाए थे, तो उसे निकालने के बाद ये कितना अच्छा फिनिशिंग लुक आया है, कहीं भी कलर इधर उधर नहीं गया है। और उसके बाद से मैंने ब्लैक कलर से इन सारे पैटर्न्स की आउटलाइनिंग कर दी ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लुक लगे। और ये आउटलाइन करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद से फिर मैंने वाइट कलर से लेके जो भी बीच के गैप्स थे उसमें पतली पतली सी एक एक लाइनिंग ड्रॉ कर दी, जिससे येलो वाइट ब्लैक सारे कॉम्बोज अच्छे तरीके से उभर के आए। और ये करने के बाद मैंने इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर दिया ताकि इसके सारे कलर्स जो हैं वो सिक्योर हो जाए, कभी निकले ना। वार्निश अप्लाई करने के बाद मैंने इसके टॉप पे ये वाला लेस वन लाइन लगा दिया ताकि और भी खूबसूरत लगे। और ये देखिए इसका फाइनल लुक।